बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ बोलेनो के बारे में। ये इटली की एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले इसकी यूएस वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो ये ऑल अराउंड दी वर्ल्ड 641 की रैंक में आती है। और इसमें जो है वो स्कॉलरशिप काफ़ी सारी अवेलेबल है, लेकिन जो आपको एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको इसकी पे करनी पड़ेगी अप्लाई करते वक्त। इसमें स्टूडेंट्स मोर देन 40 डिफरेंट नेशनलिटी के स्टूडेंट्स इसमें जो है स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसमें चेक करते हैं कि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज कौन कौन से हैं जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। स्टूडेंट्स ये जो कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं ये 3 डिफरेंट लैंग्वेज में जो है वो पढ़ाए जाते हैं। इसमें कंप्यूटर साइंस है, सोशल वर्क है, सोशल एजुकेशन है, ये बैचलर के कोर्सेज हैं सारे। इसके बाद ये मास्टर्स के कोर्सेज हैं जो 3 डिफरेंट लैंग्वेजेज में जो है वो करवाए जाते हैं। स्टूडेंट्स इसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इनका जो एक्सचेंज प्रोग्राम है वो स्पेन और यूएस के साथ है, जो इंटरनेशनल इनके लिंक्स हैं। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश में मास्टर्स के ये कोर्सेज हैं वो करवाए जाते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप एडमिशन ले सकते हैं, एनर्जी इंजीनियरिंग में ले सकते हैं, इंडस्ट्रियल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ले सकते हैं, कंप्यूटिंग फॉर डेटा साइंस है, एंटरप्रेन्योरशिप है, डेटा एनालिस्ट है, इको सोशल डिजाइन है, नॉलेज एंड वाइन मार्केटिंग है। और इसमें जो है ये कोर्स आप देख सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, इसमें इन नेशनलिटीज के जो लोग हैं जो नॉन यूरोपीय यूनियन है और बाकी भी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नीचे बाकी डिटेल आप अकोमोडेशन वगैरह की आप देख सकते हैं, फूड की। ये ऑलमोस्ट 300 यूरो टू 230 यूरो सिंगल रूम की कास्ट आपको पड़ेगी। ये फर्दर डिटेल स्टूडेंट्स आप इसमें देख लें। और इसमें अब चलते हैं अप्लाई के प्रोसीजर पे। आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे किसी भी कोर्स पे आपने क्लिक कर देना। ये फर्दर इस कोर्स की आपके पास डिटेल आ जाएगी। इसमें जो लास्ट डेट इसकी लिखी हुई है ये तो ऑनलाइन इवनिंग सेशन है। इसमें जो है वो ऑलमोस्ट मई तक इसके एडमिशन वो जो है वो ओपन है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप नीचे आ जाएंगे, आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर देना इंफॉर्मेशन फॉर नॉन यूरोपीय यूनियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड, इस पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के बारे में बताएगा जी, इंग्लिश B2 इसकी जो है वो रिक्वायर्ड होगी। इसमें जो नॉन यूरोपीय यूनियन स्टूडेंट्स है वो अर्ली बर्ड एप्लीकेशन में सिर्फ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जो है मार्च और अप्रैल में जो ओपन होती है। अभी इसके एडमिशन ओपन है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे इसमें आ जाएंगे, बैचलर की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है या आपने स्टडी कर लेनी है। यहाँ पे मास्टर की लिखी हुई है कि आपको नीचे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके रिक्वायर्ड हैं। इसमें जो पहले तो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी फिल करनी है, इसके बाद अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो आपने फिर जो है वो इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो फी की पे करनी है आपने एडमिशन सिक्योर करने के लिए। और इसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट है वो टेस्ट करवाने हैं सीमिया के लिए अप्लाई करने है, और इसके बाद यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जो है वो अपनी इनरोलमेंट करनी है। इसमें स्टूडेंट्स नीचे आप इसकी स्कॉलरशिप की डिटेल फर्दर आप देख लें। आप चलते हैं सिंपली अप्लाई के प्रोसीजर पे। आपने यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे सिंपली आप अपना नेम लिखेंगे, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल और पासवर्ड लिख के नीचे आपने इसको चेक करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी हुआ है तो मैं उसको लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे आपने ईमेल और फिर अपना पासवर्ड वो एंटर कर देना है। ये स्टूडेंट्स होने के बाद आपने यहाँ पे पर्सनल डेटा पे आ जाना है, इसको आपने फिल कर देना है सारा। कंट्री आप मेंशन कर देंगे, नेशनलिटी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है, टैक्स नंबर आपने एज इट इज रहने देना है। यहाँ पे आपने अपनी एक फोटो अपलोड कर देनी है। यहाँ पे आपने
अपना पासपोर्ट अपलोड कर देना है। नीचे आप उसकी एक्सपायरी डेट डाल देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट जो ठीक होंगे वो डॉक्यूमेंट उसको नॉट कंट्रोल्ड का जो है वो ऑप्शन आएगा जैसे नीचे आ गया। अगर डॉक्यूमेंट ठीक नहीं होंगे अनरीडेबल होंगे तो उसका जो है वो यहाँ पे नॉट ओके का ऑप्शन आएगा। अगर वो डॉक्यूमेंट उन्होंने चेक कर दिए तो यहाँ पे फिर इसका एक्सेप्टेड के लिए यहाँ पे सिर्फ ओके का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। फोटो आई थिंक स्टूडेंट ठीक नहीं है, मैं इसको दोबारा अपलोड कर देता हूँ। वो आपने सेव कर देना। सेव करने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने ऊपर आ जाना है क्रिएट मैनेज एप्लीकेशन पे, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। इसको स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने मास्टर पे क्लिक कर देना। पहले बैचलर पे क्लिक करते हैं तो आपको स्टूडेंट्स वो जो बैचलर के कोर्सेज हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। इसमें आपने चेक कर लेना है आपने किस में एडमिशन लेना है और नीचे इसको आप सिलेक्ट कर देंगे कंप्यूटर साइंस। इसकी स्टूडेंट्स 50 यूरो जो है वो फी आपको पे करनी होगी। इसमें अप्लाई करने के लिए इसकी जो डेडलाइन है वो 7/5/2024 है और इसके लिए मिनिमम लैंग्वेज जो है वो आपको B2 रिक्वायर्ड है। इसमें मास्टर के कोर्स चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसमें भी आपको जो है वो B2 रिक्वायर्ड है लैंग्वेज, इसकी भी डेडलाइन ऑलमोस्ट सेम ये सब की। इसमें आपने पे नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे इसकी पेमेंट करनी है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से भी और आप इसकी पेमेंट बैंक के चैनल से भी कर सकते हैं। ये पेमेंट करने के बाद स्टूडेंट्स आपको फर्दर इसकी जो आगे डिटेल अपनी इंटर करनी होगी और आपका जो है इसमें फिर अप्लाई हो जाएगा। ये सिंपल प्रोसीजर है स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करने का। इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।